Hello everyone, welcome to Study Khazana. I'm Neha Khandelwal. Today we are with a famous English teacher, Mrs. Indu Sharma, who has more than 20 years of experience of teaching, and she has taught even more than 14,000 students. So welcome ma'am. Thank you. Aapko the board exams start ho gaye hain, and English is a language. So students jo hain wo kaise study plan kare? कैसे पढ़े इंग्लिश के लिए कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर करे क्योंकि टेंथ में ही और ट्वेल्थ में दोनों में ही बहुत अच्छी इसकी वेटेज रहती है इंग्लिश की तो आप अपने स्टूडेंट को गाइड करें कैसे वो पढ़े कैसे स्टडी प्लान बनाए वो सी मैं जो सजेस्ट करूंगी वो ये है कि हमेशा अपना जो स्टडी प्लान है मॉर्निंग में स्टार्ट विद अ प्रेयर जिस भी भगवान को आप मानते हैं यू नो कॉन्टेम्पलेट फॉर सम टाइम एंड स्टार्टेड विद अ प्रेयर सो दैट यू आर रिलैक्स्ड आप जो हो टेंशन रहित हो जाते हो एंड इन अ रिलैक्स मोड आप जो है अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे राइट एंड नेक्स्ट थिंग यू शुड डू द प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस जैसे आपको पता है ए बी सी डी सेक्शंस है क्लास ट्वेल्थ में ए बी सी सेक्शंस रहते हैं रीडिंग राइटिंग एंड लिटरेचर उसमें टेंथ और नाइन्थ में एक और ग्रामर का सेक्शन रहता है ग्रामर में ये है यू शुड नो यू नो इफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज देयर व्हाट शुड बी देयर इन द पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या आना चाहिए सो दैट एडिटिंग के दौरान अगर सपोज करिए कि टेंसेस है या रिपोर्टेड स्पीच है तो कहाँ पे कैसे एडिट करना यू शुड नो दैट रीडिंग स्किल्स के लिए आपको 4 to 5 जो पैसेजेस है पहले से ही जो बोर्ड पेपर्स रहते हैं उनको देखना चाहिए एंड यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 रीडिंग पैसेजेस राइट सो दैट यू कम टू नो एक टाइम लिमिट भी सेट होना चाहिए कि इतने टाइम में जैसे सपोज 3 पैसेजेस दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर तो एक पैसेज का टाइम लिमिट आपको कितना देना है सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट दोज पैसेजेस इन टाइम देन कम्स टू द राइटिंग पार्ट आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए फॉर्मेट आना चाहिए हर जो है से नोटिस है या कोई भी लॉन्ग कंपोजिशन है शॉर्ट और लॉन्ग कंपोजिशंस के फॉर्मेट आने चाहिए एंड ऑलवेज एंड इन लॉन्ग कंपोजिशंस ऑलवेज एंड विद अ पॉजिटिव नोट यू नो 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइड होता है इंट्रो then you have the body and the conclusion so whenever you conclude with a positive note coming to the literature I'll say daily you should set a time like suppose you are devoting 1 hour to the literature you read each and every word go through the dictionary and know the theme hota hai jo central idea hota hai so you should know the theme of the lesson and relating to the title also how the title is connected to the theme or the central idea so keeping all these things in mind you can have a very good score in english मैम क्या रिवीजन टेक्निक वो यूज करें मतलब अगर सब कुछ भी पढ़े लेकिन एंड टाइम में सिर्फ 2-3 डेज ही मिलते हैं लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स को तो कैसे वो 2-3 दिन में कवर करे पूरे सिलेबस को आप वो गाइड करिए कि कैसे वो बेस्ट बेस्ट कर सकते हैं 2-3 डेज में आई थिंक रिवीजन के लिए जो रीकैप पॉइंट्स होते हैं जैसे मैंने बताया कि ए पार्ट है जैसे सो यू शुड यू नो प्रिपेयर ए पार्ट बिफोर हैंड Like, not in these 2-3 days, but beforehand you should be ready to answer these passages, which you can't take up in these 2-3 days. What you can take is the formats of the short compositions and the long compositions. Formatting, aapko pata hona chahiye kitne marks ka jo hai each question carry. And after formatting, like in literature, as I told you, literature long and short answers, you should set a limit to the long answers and the short answers. That what word limit, like word limit, if it is a short answer, to itni word limit honi chahiye, isse exceed nahi honi hai. And if it is a long answer, then word limit should be this much. And you should not over-exaggerate, you know. Over-exaggerate nahi karna. The language should be simple and understandable. But yes, the quote should be there. And the quote should be there from the book. And the teacher's notes or apne jo notes us time pe bahut kaam aayenge aapke. You know, you should have a recap point note. रीकैप पॉइंट नोट रजिस्टर जिसमें आपका सारा रीकैप होएगा कि व्हाट इज कंटेंड इन दिस लेसन इस लेसन के क्या मेन पॉइंट्स है क्या इसकी थीम है एंड हाउ डिड वी ड्रॉ द कंक्लूजन राइट सो ऑल दिस पॉइंट्स बनाते चले स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही ताकि वो एग्जाम टाइम पे हम रिवाइज कर सके उस चीज रिगार्डिंग द फॉर्मेट रिगार्डिंग द ग्रामर रिगार्डिंग राइटिंग स्किल्स एवरीथिंग यू नो एंड द लिटरेचर टू यू शुड हैव द क्रिस्पी पॉइंट्स विद यू
मैम कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि अगर हम ट्वेल्थ की बात करें तो इसमें बेस्ट फोर सब्जेक्ट्स में भी ये जाता है, तो कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना स्कोर कर सके स्टूडेंट्स में। ठीक से लिटरेचर पार्ट आप देखो, स्टूडेंट्स को लिटरेचर पहले से पता होता है क्या क्या चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, तो कैसे वो एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करें कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके उसमें। यू नो यू शुड हैव अ प्रेजेंटेबल लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसके मेन पॉइंट, सपोज लेट्स टेक अ लेसन डीप वाटर फ्रॉम फ्लैमिंगो, सो हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर। नाउ द चैप्टर इज ऑल अबाउट द फियर ही हैड फ्रॉम वाटर, अ बिग बुली बॉय ही थ्रू हिम इनटू द वाटर एंड हाउ ही ओवरकम दैट। So this is like about the central idea, you know, if we overcome our fear, then he enjoyed the intensity of life. Usko life jeene mein maza aaya, ek bar usne apne dar pe kabu paya to. So this is the thing, you know, how you draw the conclusion and you should know about each and every chapter, as I told before in literature, that what are the main points of the chapter, the storyline is going about what is the theme, the central idea, the sub-theme, the incident, and the characters, and you should also know about the poet and the writer. All these things will help you in literature. Ma'am, which part should be done first? मतलब literature करे, writing करे, या question क्या पहले attempt करना चाहिए? क्योंकि 3 hours है और इतने सारे sections divided हैं, तो कौन सा part पहले करे? So I think you should go for A or B part first. If your writing skill is strong, you know, and you know it is scoring. You can score more on it. आप उसमें ज्यादा कर सकते हैं, तो आप पहले राइटिंग स्किल कर लो rather than reading. But I would suggest first go through the question paper. 15 मिनट पूरे वो देते हैं आपको, पहले उसको रीड करो कि आपका फ्लो पहले राइटिंग में आएगा या रीडिंग में. लिटरेचर एंड में अटेम्प्ट करें तो अच्छा है. पहले आप ये देखिए कि राइटिंग में आपका फ्लो ज्यादा अच्छा आएगा या रीडिंग आपको आप आसानी से आंसर कर पा रहे हैं. अगर रीडिंग आंसर कर पा रहे हैं ए पार्ट, तो पहले रीडिंग लेना चाहिए उसको फटाफट से, टाइम लिमिट सेट करके. एंड देन यू सी रफ, एंड यू शुड ऑलवेज मेक रफ कॉलम रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, प्लस लिटरेचर के लिए. आई वुड सजेस्ट दैट मेक अ रफ कॉलम कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं. यू नो यू हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, सो दीज पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मैट, दीज पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन लिटरेचर, आई एम गोइंग टू आंसर इन दीज मेनी पॉइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब नोट साथ में बनाए ताकि आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो मिस ना हो जाए कोई भी पॉइंट. राइट से राइट, रफ कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन यू कैन हैव एट द बैक ऑफ द शीट एंड यू कैन रेफर टू इट एंड देन इलेबोरेट अकॉर्डिंगली सो दैट नथिंग स्किप्स. तो मैम स्ट्रेस से कैसे डील करें स्टूडेंट, क्योंकि इस टाइम बहुत स्ट्रेस होता है, हर पेपर को रिवाइज करना है, तो कैसे स्ट्रेस से कैसे हाँ, सो मैंने बोला कि अपना मॉर्निंग में जो भी प्रेयर्स आप करते हैं, जो कुछ भी, जिस भी भगवान को मानते हैं, यू नो टेक हिज नेम इन अ रिलैक्स मैनर, यू विल रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी एंड द पॉजिटिव वाइब, स्टार्ट योर डे विद दैट. और स्ट्रेस का ये है जो नहीं हुआ है उसको देख लो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि स्ट्रेस में ना डालें स्टूडेंट्स को, बिकॉज यू नो लाइफ इज अबाउट द बुक इज लाइक अ लाइफ. Sometimes you have sad chapters in it, sometimes you have happy, then very exciting. अगर आप sad part पे अटक जाओगे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा, how will you look to the next chapter जो exciting होने वाला है? तो उससे जूझो मत, थोड़ा कोशिश करके you can find the solution, or you can go to the expert, you can go to your teachers, you find out your mistakes, don't do the spelling mistakes, and revise it thoroughly. ओके मैम, स्टूडेंट्स से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, क्योंकि सभी के ही एग्जाम्स है ऐसा लग रहा है, तो आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैसेजेस टेक लाइफ इन अ रिलैक्स्ड मैनर. रिलैक्स का मतलब ये नहीं है आज का काम कल पे छोड़ दिया. व्हाट आई मीन इज दैट एज आई टोल्ड यू दैट कोटेशन दैट लाइफ एंड बुक इज अबाउट द सैड एंड हैप्पी चैप्टर्स. बिल्कुल स्ट्रेस में मत डालिए बच्चे को. अगर वो किसी समस्या से जूझ रहा है, इफ ही इज नॉट रीडिंग और ही इज नॉट स्टडिंग, कोई फेवरेट डिश बना दो उसको, यू नो थोड़ा साइट सीइंग करवा दो. द थिंग इज ही शुड रिलैक्स. उसको अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, उसका जो बेस्ट चैप्टर है, जो बेस्ट आउटकम है, वो उसके सामने लाओ. यहाँ तूने इतना अच्छा किया था, इस टेस्ट में तू इतना अच्छा लाया, व्हाई कांट यू डू, एंड द चाइल्ड विल डेफिनेटली अचीव. मतलब मोटिवेट करना चाहिए. हाँ, और मेरे स्टूडेंट्स हमेशा 97-98%, एक बार तो जो जब मैंने प्रैक्टिस किया था, एक ऐसे एरिया में किया था जहाँ बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर थी, तो वहां पर वो 97-98 ला चुके, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि बाकी बच्चे जिनकी अंग्रेजी और थोड़ी स्ट्रांग है, यू नो दे कैन अचीव मैक्सिमम एंड मिरेकल्स हैपेंड.
थैंक यू मैम अपने इतने अच्छे गाइडेंस दी स्टूडेंट्स को एग्जाम से डील करने के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेहा खंडेलवाल, स्टडी खजाना. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून. थैंक यू.